टोक्यो ओलंपिक खेलों में ऊना जिला के उपमंडल अंब के एक छोटे से गांव बदायूं के 22 वर्षीय निषाद कुमार ने भारत के लिए हाई जंप T47 कैटेगरी में रजत पदक हासिल कर देश के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है। निषाद कुमार ने इसी वर्ष दुबई में हुई फाजा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियम में हाई जंप T47 कैटेगरी में ही स्वर्ण पदक जीता था। निषाद की इस उपलब्धि से उनके गांव में खुशी का माहौल है। निषाद के माता पिता को अपने बेटे पर गर्व है। निषाद के परिजनों को उनके आने का बेसब्री से इंतजार है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। सोच तो हमारी ये थी कि गोल्ड मेडल लेके आएगा, पर चलो गोल्ड मेडल नहीं तो सिर्फ मेडल ही लेकर आया। बहुत खुशी की बात है, अपने इंडिया का, अपने गाँव का, अपने हिमाचल का नौ। मेरे को बहुत खुशी है, जो मेरा बेटा ओलंपिक मेडल लाए, ओलंपिक में पहली बार गए, उन्हें बहुत हौसला था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो आज मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा बेटा आज ओलंपिक खेलकर मेरे मम्मी को सिल्वर मेडल ला रहा है। खिलाड़ी पहले तो वो पंचकुला तावदा स्टेडियम में सीन सर के पास करते थे, उसके बाद जब उनका 2019 में उनका पैरालंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर वो जब बेंगलोर में चले गए उसके सर के पास, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी, उसको सर उसने बेस्ट करवाया उनको। और पहले जो 2020 में कोविड के चलते रुकी थी, वहाँ पर सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुश है सभी। निषाद के कोच नसीम अहमद ने बताया कि निषाद बहुत ही मेहनती और लगनशील है। उन्होंने बताया कि निषाद का पैरा ओलंपिक में रजत पदक लाना उनके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। कोच का कहना है कि निषाद ने उन्हें आज विश्व पटल पर पहचान दी है। निषाद ने मुझे पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो में हाई जंप में जो सिल्वर मेडल दिया है, तो जितनी खुशी मुझे नीरज के गोल्ड की थी, आज इतनी ही खुशी मुझे निषाद के मेडल से हुई है। आप देखिए, मैं इसी महीने रिटायर होने जा रहा हूँ, अब मेरे 2 दिन बाकी हैं रिटायर होने के लिए। तो निषाद ने जो मुझे मेडल दिया, तो आप लगा लो कि आज एक ओलंपिक में 2-2 मेडल, और मैं उन बच्चों का कोच हूँ, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। पूरे देशवासियों ने इन बच्चों का आशीर्वाद दिया और इन बच्चों ने मेडल लिया। ओलंपिक लेवल में मेडल लेना कोई छोटी बात नहीं है। नीरज ने गोल्ड लिया, बहुत एक इतिहास रचा। ऐसे ही निषाद ने जो मेडल लिया, इस देश का नाम विश्व में किया, तो और उन इन विश्व चेलों से और उनका कोच आज मैं अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ अपने पूरे देशवासियों के साथ। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निषाद को रजत पदक हासिल करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निषाद को प्रदेश सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल का बेटा निषाद कुमार ऊना जिला के रहने वाले हैं, उनके उन्हें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हमने पहले भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनको तैयारी के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किया था, और अब सिल्वर मेडल लेने के पश्चात मैं 1 करोड़ रुपए की राशि घोषित करता हूं उनको, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में वो हिमाचल प्रदेश में और लोगों को भी खेल के प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत बहुत बधाई उनको, उनके परिवार को, और जिन लोगों ने उनको खेल के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। निषाद कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद आज जो मुकाम हासिल किया है, उससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है। DD News के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।